गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल इन योर हाउस। टुडे वी विल रीड द इंग्लिश रीडर बुक ऑफ क्लास थर्ड। सो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू, अ क्लेवर फ्रॉग। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वॉज प्रिंस, वेयर डिड ही लिव। प्रिंस कौन था और वह कहाँ रहता था? आंसर इज, प्रिंस वॉज अ फ्रॉग, ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट। प्रिंस कौन था? एक फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक। ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में रहता था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट डिड प्रिंस सी ऑन द वे? आंसर इज, ही सॉ अ बेबी एलिफेंट ऑन द वे। क्वेश्चन क्या था कि प्रिंस ने रास्ते में क्या देखा? आंसर में क्या लिखा है? ही सॉ अ बेबी एलिफेंट ऑन द वे, उसने रास्ते में बेबी एलिफेंट देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द बेट बिटवीन प्रिंस एंड सोमू? प्रिंस और सोमू के बीच में क्या शर्त लगी थी? आंसर इज, हु जंप्स हायर इन द एयर, कि कौन एयर में, मीन्स एयर मीन्स हवा में ऊंची छलांग लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु वॉन द बेट? बेट कौन जीता? बेट मीन्स शर्त, कौन जीता? आंसर इज, प्रिंस वॉज वॉन द बेट, प्रिंस बेट जीता था। शर्त कौन जीता था? प्रिंस। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वॉज द चेंज इन सोमूस बिहेवियर आफ्टर द बेट? शर्त के बाद सोमू के बर्ताव में क्या परिवर्तन आया? आंसर इज, ही स्टॉप्ड बुलिंग एंड बिकेम फ्रेंड्स विद द एनिमल्स। उसने क्या किया? एनिमल्स को धमकाना बंद कर दिया और जानवरों से दोस्ती कर ली। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू। प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।